सो हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इग्नू टीवी। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इग्नू का ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म को भरते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन या लैपटॉप में अपना ब्राउज़र ओपन करना है। अब आपको उसमें इग्नू टाइप करना है। सबसे पहले आपको इग्नू की ऑफिशियल साइट दिखेगी, उसमें क्लिक कीजिए एंड स्क्रॉल डाउन कीजिए। यहाँ जाकर आपको अलर्ट्स हेडिंग में इग्नू एग्ज़ाम फॉर्म की लिंक मिलेगी, उसमें क्लिक कीजिए। अब आपकी स्क्रीन में इग्नू का एग्ज़ाम फॉर्म डिस्प्ले होगा। इसमें आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के लिए कुछ स्टेप्स एंड गाइडलाइंस दिए हैं, जिन्हें आपको केयरफुली पढ़ना है, जिससे कि आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते समय कोई भी दिक्कत ना आए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सभी स्टेप्स को ध्यान से पढ़ने के बाद आपको डिक्लेरेशन में टिक करना होगा, उसके बाद आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको इग्नू एग्जामिनेशन फॉर्म आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। हम आपको ये फॉर्म इसीलिए फिल कर नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि इस फॉर्म को फिल करने की जो भी इम्पोर्टेंट स्टेप्स एंड इंस्ट्रक्शन हैं वो हम इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने से पहले आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है, आइए देखते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले आपको एग्ज़ाम फॉर्म बहुत ही ध्यान से फिल करना है। मीन्स अपनी डिटेल्स, आप जो भी फिल करें वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए एंड स्पेलिंग्स का ध्यान ज़रूर रखें। सेकेंड, एग्ज़ाम फॉर्म फिल एंड सबमिट करने के बाद आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। उसके बाद चाहे आप इग्नू को लेटर लिखें या मेल लिखें, आपकी कोई भी रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं की जाएगी। इसीलिए प्लीज़ एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते टाइम इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। थर्ड, जब आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल करेंगे तो एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करते टाइम आपको एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट अवेलेबल करवाई जाएगी, जो आपके रीजनल सेंटर वाइज होंगे। तो जो भी आप अपना सेंटर चूज़ करें उसका सेंटर कोड करेक्ट होना चाहिए। फोर्थ, एग्ज़ाम सेंटर आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर ही अलॉट किए जाएंगे। मीन्स कि जो स्टूडेंट जितना जल्दी फॉर्म फिल करेगा वो अपने अकॉर्डिंग एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर पाएगा। इन केस आपको सेंटर चूज़ करना था वो अवेलेबल नहीं है तो आप उसी के नियरेस्ट कोई दूसरा सेंटर चूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ, एक बार सीट फुल हो गई तो वो पर्टिकुलर सेंटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। इसीलिए मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप लास्ट डेट तक का वेट ना करें एंड टाइमली अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर लें। सिक्स, अब नेक्स्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि इन केस जिन पेपर्स के एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं उन सभी सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम फॉर्म आप एक बारी में ही सेलेक्ट करके फिल कर दें। इससे ये होगा कि अगर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में फिर दोबारा सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो उस केस में आपका स्टडी सेंटर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा और आपको एग्ज़ाम्स देने के लिए अलग अलग सेंटर पर जाना पड़ेगा। इसीलिए इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। एट्थ, अब आते हैं पेमेंट की तरफ। आपके एग्ज़ाम फॉर्म की जो फीस है उसकी पेमेंट डेबिट या क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं। नाइन्थ, एग्ज़ाम फॉर्म की फीस पे करने के बाद आप उसको ना ही एडजस्ट कर सकते हैं और ना ही उसका रिफंड मिलेगा। टेंथ, जब आप सारी डिटेल्स फिल कर लेंगे तो पेमेंट करने से पहले जो भी डिटेल्स आपको फिल करनी है उसकी आपको समरी शो हो जाएगी, तो उसे एक बार फिर से ज़रूर चेक कर ले क्योंकि उसके बाद पेमेंट हो जाने के बाद आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगी। टेंथ, सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद आप अपनी एक्नॉलेजमेंट स्लिप एज अ प्रूफ डाउनलोड करके रख ले। इलेवेंथ, ऐसा बहुत बार होता है कि फीस डिडक्ट हो जाती है बट एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट नहीं होती है, उस केस में आप बिल्कुल भी पैनिक ना करें। कभी कभी सर्वर डाउन होने की वजह से स्लिप जनरेट नहीं हो पाती है तो उसके लिए आप एटलीस्ट 72 आवर्स तक का वेट कीजिए, वो ऑटोमेटिकली आपके एग्जाम फॉर्म स्टेटस में शो होने लगती है तो तब आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। 12th, अगर 72 आवर्स कंप्लीट हो जाने के बाद भी आपका स्टेटस अपडेट नहीं होता है या आपकी स्लिप जनरेट नहीं होती है, उसका रीजन ये है कि आपको अपना एग्जाम फॉर्म रीसबमिट करना है। रही बात आपके डिडक्टेड अमाउंट की, उसके लिए आपको इग्नू को एक मेल लिखनी है। मेल आईडी है termandexam@ignu.ac.in। इसका सब्जेक्ट लाइन आपको लिखना है रिफंड ऑफ एक्सेस एग्जाम फी। इसकी जीमेल आईडी हमने डिस्क्रिप्शन में
दे दी है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। आप जब इस पर मेल करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको रिफंड आपके अकाउंट में आ जाएगा। सो दिस इज इट। ये सभी पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखिए जब भी आप अपना एग्जाम फॉर्म फिल करें। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो हमें कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।